अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। इधर ये अभी हम भाईजान से गुजारिश करने लगे हैं कि कोई इकलाब वगैरह या कोई ऐसा लतीफ़ा सुनाए जो आपकी नज़र पेश कर सके। तो भाई आप तो वो एक सरदार से तो एक जगह तो गुजरता होता हिरदाना जी, तो एक गांव किसी जट ने बनी होंगी सी, तो सिंह बड़े 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 सन जी। वो सरदार रोजाना लगे करे तो सोचे करे कि अगर ये सिंह मेरिया लत्त फस गए जी तो मेरा की बनेगा। अच्छा, वो बहुत दिन सोचता रहा, जिथे भी जाए ना उसे बवे तो एक ही कर सोच इस रवे कि वो गां अगर मैं सिंह मारेगी मैं चुके सुखेगी तो मेरा की बनेगा। वो एक दिन ना सुबह उठता है, सुबह उठ के ना तैयारी कर लेता है, वो सारे पूछते हैं कि जा रहा उन्होंने कहा यार अज मैं ना अपनी टेंशन मैं अपनी टेंशन मकान लगा। वो जिस तरह मगे गया तो जाके ना गांव नू छेड़ देता है। चार कुछ छड़ी मारता है या उन्होंने कुतरा होंगे किसान भी। गांव यानी कि जो सिंह बहुत बड़े होंगे ने वो चुक दी उन्होंने चुक के पटक के उन्होंने पिछों दी मार दिए सबे। अच्छा, वो सरदार साहब जी को लत्त बांह कुछ ली जाती है कोई टूटी जाती है। वो अस्पताल जाने लोग पता करना कि उन्होंने कहा सरदार जी बड़ा अफसोस होया। उन्होंने कहा की होया? उन्होंने कहा मैंने तो कोई नहीं होया। उन्होंने कहा सरकार तुम बैड पे हो, मरीज हो, अस्पताल पे हो, तो तुम अफसोस नहीं होया? उन्होंने कहा जी मैंने अफसोस नहीं, मेरी टेंशन लत गई है। टेंशन खत्म। उन्होंने कहा वो की? मैं कहा मैं रोज सोचता सा कि बनेगा है, वो मेरी टेंशन लत गई है कि जो बनना वो बन गया है। ठीक है, ये दुनिया है वो जिन्ना चिर अगला घर वेख नहीं लेंदी कोई टेंशन नहीं लाते। टेंशन नहीं लाते। थैंक यू सो मच। जिस बंद कह देना तो उन्होंने अंडरस्टैंड तो नहीं करना जी। हर बंदा यानी कि वो ये कहता कि मैं सियाना वा जी। उन्हें जो लत्त शिकंजे फस चुकी होंगे ना उस टाइम वो समझता कि नहीं मैं सियाना नहीं हाँ, मैं एक शिकार हो गया। ये बहुत काम की बात है। इन्होंने प्रदेश ऐसी प्रदेश प्रदेश हर एक बंद अंडरस्टैंडिंग, हर बंद तलुकात सलाम दुआ रखना और हर बंद अच्छे रिलेशन रखना एक जरा बहुत अच्छी चीज रखनी चाहिए। और प्रदेश जरा ना वो एक बंदा होंदा कि आंदा मुसाफर खाने की तरह होंदा है, बंदा आंदा चला जाता है, आंदा चला जाता है, मगर मुसाफर की कभी किसी ना तुम बैठोगे वो तुम अच्छे लगना याद करे। और मजदूरी हर एक बंदा अपनी करता है, अपने करता है, अपने खाता है। साढ़े बहुत सारे दोस्त ने इतने साढ़े बहुत सारे इतने जनाब सारिया गल् ने मेरा हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं कोशिश करने से, मगर कोशिश कोई नहीं करना चाहता। बिल्कुल। तो ये है बात कि हर कोई आदमी कहता है कि मैं जो है ना इधर बैठा हूँ तो वो जो है ना मैं 10 आदमी एक 20 साल मेहनत करता है, एक 20 दिन के बाद 20 दिन आता है वो कहता है मैं 20 दिन में उस जल्दी थकी कर लूँ 20 साल का साल तो मेरे पास आ जाए, पर वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा है दोस्तों के हर आदमी को इधर अपनी अपनी पड़ी हुई है, अपना तफरी है, दोस्त हैं हमारे, हमारे अजीज़ भी हैं और हमारी इधर फैमिली भी हैं सब, यानी कि ये सब एक मिक्सचर बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कि अच्छा है, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो और खुशियां बांटो, खुश रहो। और ये नहीं कोशिश करो कि ये आदमी इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है, ये बांग्लादेश, सारिया गल्ला ने यानी दोस्तों के प्यार रहो, प्यार ना रहो, मोहब्बत ना रहो, खुशियाँ बांट लो, खुश रहो। बिल्कुल, अगर किसी को खुश रखोगे तो खुद ही खुश रहो। अपनी मेहनत करते रहो, मेहनत करो, मेहनत जद्दोजहद है, नसीब है, दुआ करो, दुआएं कराओ, खुद भी करो, दूसरों से भी कराओ, वो अल्लाह तला मदद करने वाला है। ठीक है, तो बाकी ये फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से, फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से, मगर वक्त हालात बताते हैं, वक्त पड़ जाता है किसी के आने से। बहुत शुक्रिया, इसलिए आप कोशिश करते रहें और हिम्मत नहीं आ रहे, हम भी लगे हुए हैं, आप भी जो है ना मेहनत करें तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। इसी के साथ दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।